हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो अश्वगंधा हर्ब के ऊपर है। इस वीडियो में मैं आपको अश्वगंधा के दो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स बताने वाला हूं। अच्छा, इस वीडियो का पर्पस मेरा ये नहीं है कि आपको अश्वगंधा से मुझे डराना है। मेरा पर्पस है आपको इसके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप जान सके कि आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं, और ले तो कितनी क्वांटिटी में ले। आजकल जैसे कोरोना नाम की बीमारी का लोगों में काफी खौफ है, तो इसमें अश्वगंधा को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काफी प्रमोट किया जा रहा है, और ये वाकई एक अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत अच्छी हर्ब है। पर ये सिंपल गिलोय तुलसी जैसी हर्ब नहीं है कि जिसे हर शख्स ले ले और दो तीन महीने तक लेता रहे। दो कंडीशंस में इसको बहुत सावधानी से लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूं वो कौन सी दो कंडीशंस है। सबसे पहले तो अश्वगंधा जो है ये आपके बीपी को थोड़ा हाई करती है, तो लो बीपी वालों के लिए ये अच्छी है, जिनका नॉर्मल बीपी है उनके लिए भी ये अच्छी है, पर जिनका हाई बीपी रहता है वो हाई बीपी की मेडिसिन लेते हैं या उनकी हाई बीपी की टेंडेंसी है, तो उनके केस में अश्वगंधा उनके बीपी को हाई कर सकती है, और वो अगर मेडिसिन ले रही है तो उसमें ये इंटरफेयर कर सकती है। तो ऐसे केस में तो आप अगर अश्वगंधा लेते हैं, इंडिविजुअली लेते हैं, तो आपको हफ्ते भर में ही पता चल जाएगा आपको अपने बीपी में इंटरफेयर होता नजर आएगा, तो ये बात ध्यान रखें। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अश्वगंधा नहीं ले सकते, इसका मतलब है कि आपको उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी पड़ेगी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है, या आप उसको ऐसे प्रोडक्ट में ले सकते हैं जिसमें अश्वगंधा सिर्फ एक इंग्रेडिएंट हो। मतलब आप इंडिविजुअली आप अश्वगंधा पाउडर ले आए, उसको आप रोज ले आधा आधा चम्मच, ये सही नहीं रहेगा आपके लिए, या आप कैप्सूल फॉर्म में उसको लेते रहे पूरा महीना भर, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसमें आपको दिक्कत आएगी। अच्छा, दूसरा जो केस है जिसमें अश्वगंधा लेते हुए आपको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, वो है कि अगर आप ओवरवेट है, आप थोड़े मोटे है, ओबेसिटी से आपको आप परेशानी रहती है आपको, क्योंकि अश्वगंधा का एक रोल होता है कि दो हार्मोन्स को वो बढ़ाता है आपकी बॉडी में, एक तो टेस्टोस्टेरोन और एक ग्रोथ हार्मोन। आपके ब्रेन में जो पिट्यूटरी नाम की एक ग्लैंड होती है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है, जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है। जब आप छोटे होते हैं, टीनेजर्स में आते हैं, तो आपकी हाइट बढ़ाती है। इसी तरह जो जिम गोइंग पीपल है उनके केस में भी अश्वगंधा इसलिए यूजफुल रहती है कि वो उनको मास बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है। वो जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन बढ़ाती है, बनाती है, उसको ये उसके लेवल को इंक्रीज करने का काम करती है अश्वगंधा। तो अगर आप ऑलरेडी थोड़े मोटे हैं, मोटे तगड़े हैं, और आपका फैट्स ज्यादा है, वेट ज्यादा है, और आपकी एक्टिविटी कम है, और ऐसे केस में आप अश्वगंधा अगर दो तीन महीने लगातार ले लेंगे, उसका सिंगल पूरा डब्बा रोज आधा आधा चम्मच ले रहे हैं या रोज कैप्सूल खा रहे हैं, तो आपका वेट गेन हो सकता है। आपका हो सकता है कि दो तीन महीने में 4-5 किलो वेट गेन और हो जाए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो आजकल बताई नहीं जा रही, सिर्फ ये इसी तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि अश्वगंधा एक बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर है। तो आप भी ले सकते हैं अश्वगंधा, पर इस चीज का ध्यान रखें कि उसको इस तरह के प्रोडक्ट में ले जिसमें अश्वगंधा सिर्फ एक इंग्रेडिएंट हो। उसकी क्वांटिटी को आप देख के आप ले कि कम हो क्वांटिटी, और इस बात को ध्यान में रख के आप उसे ले कि लॉन्ग रन में अश्वगंधा आपका वेट गेन कर सकती है। ये उसका एक फंक्शन है, पतले लोगों को दी जाती है या जिम गोइंग लोग लेते हैं, और बीपी को वो हाई कर सकती है। इसका बीपी से रिलेटेड तो आपको 4-5 दिन हफ्ते भर में ही रिजल्ट नजर आ जाएगा, और वेट के केस में आपको 2-3 महीने में नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पर्पस था ये वीडियो में बनाने का और आपको बताने का कि आपको अश्वगंधा के बारे में
प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो कि इसको किस तरीके से लेना है। ओके फ्रेंड्स,